विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक चालक का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, और उसकी लंबाई L मानते हैं, और जब इसके सिरों को सेल से जोड़ते हैं, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा प्रदान करता है। वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, जैसे देखो इसमें जो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो अनियमित रूप से इधर उधर घूमता रहता है। जैसे हम इसको सेल इसके सिरों को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वह इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर घूमने से मना करता है, सीधा जो है उसको एक दिशा देता है, और वह दिशा किधर होता है, ऋण से धन की ओर होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की घूमने की दिशा किधर होती है, ऋण से धन की ओर, इधर देता है। जब यह एक दिशा में गति करता है तो हमें विद्युत धारा मिलता है, क्या मिलता है, विद्युत धारा। तो हम जो है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आज पढ़ेंगे। अनुगमन वेग क्या होता है उसको हम बताए थे। तो वैद्युत क्षेत्र मतलब जब चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है चालक पर, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित दिशा में गति प्रदान होती है। उस गति का मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है, और वही जो है अनुगमन वेग का मान होता है, ठीक। तो हमें धारा और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करना है, इसके लिए हम क्या लेते हैं, एल लंबाई का एक चालक लेते हैं, एक चालक एल लंबाई लेते हैं, और इसमें पूरे में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन, कैपिटल एन क्या है, चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चलो ऐसे लिखते रहे। छोटका एन क्या होता है, प्रति एकांक चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, बात समझ में आया। अच्छा वीडी क्या है, एक सेकेंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी या अनुगमन वेग, ठीक। तो हमें क्या करना है, ध्यान दो, सबसे पहले हमें निकालना कि इसमें पूरा कितना जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, हमें क्या निकालना है, इसमें पूरा मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है। और एक बात और मानते हैं, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, क्या है, तो चालक का आयतन निकालते हैं, चालक का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, ये देखो आधार लिखा हुआ है, ठीक है, और गुणे लंबाई, तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा ए, और लंबाई एल क्या है, एल। एक सेकेंड में जो चली गई दूरी हम वी डी माने हैं, तो मान लीजिए ना, तो इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ए से पी से क्यू की ओर, मतलब क्यू से पी की ओर एक सेकेंड में पहुँच जा रही है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जा रहा है एक सेकेंड में। एक सेकेंड का आयतन कितना होगा, तो एक सेकेंड का आयतन वी डी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एल बराबर डी वी डी, एक सेकेंड की लंबाई होगी, एक सेकेंड में लंबाई कौन प्राप्त कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक चालक का आयतन हो जाएगा ए गुणे एल, लेकिन प्रति सेकेंड आयतन हो जाएगा ए गुणे डी वी डी, कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा एक सेकेंड में घिरा आयतन, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा एक सेकेंड में घिरा आयतन, आधार क्षेत्रफल गुणे लंबाई ये गुणे वी टी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इतना बात हो गया, अब एक बात हम जानते हैं, मतलब एक सेकेंड में, मतलब एक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है, या एक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है, या हमारे पास इतना आयतन है, तो कितना होगा, ध्यान से देखो,
इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक सेकेंड एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, स्मॉल है हमारे पास इतना आयतन है, एक गुणे वी डी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एन ए वी डी ना। अच्छा ध्यान देना, ये जो इतना इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड का है, कितने का है, हाँ यहाँ पे एक सेकेंड आ गया है, ये इतना इलेक्ट्रॉन कितने का है, एक सेकेंड, इसमें टी बराबर एक लिया गया है ठीक। तो अब देखो आवेश कितना हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो जाएगा, एन ई, क्या होता है एन ई होता है एन के स्थान पे बड़ा वाला एन के स्थान पे ही रखेंगे, एन ए वी डी ना, एन ए वी डी और ई ठीक है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों द्वारा कुल आवेश ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालक पर कुल आवेश कितना हो गया, एन ई एन ए वी डी ई, एक पूरा एक सेकेंड का आवेश है, कई सेकेंड का आवेश है, हर बार मैं बोल रहा हूँ एक सेकेंड का आवेश है, क्योंकि यहाँ मैं लंबाई एल के स्थान पर वी डी लिया हूँ, वी डी के मतलब एक सेकेंड में चार इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई। अब देखो क्या हो गया, तो सूत्र होता है, बहुत बढ़िया सा सूत्र है, हम लोग पढ़े हैं, तुम लोग भी पढ़े हो, क्यू बरा या नहीं होता है ना, अब क्यू बरा होता है आई टी, क्यू बरा या नहीं है क्यू बरा, हाँ इस क्यू के स्थान पे आई टी, यहाँ एन के स्थान लिख देंगे एन ए वी डी आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ए वी डी ई अपॉन टी, टी के मान कितना लेना है एक सेकेंड, टी के मान कितना लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ टी के मान एक सेकेंड, आई बराबर हो जाएगा एन ई ए वी डी नीचे एक, फिर हो जाएगा आई बराबर एन ई ए वी डी ठीक है, ये हमारा धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। हाँ तो देखिए ए क्यूब रहा या नहीं, जो हम लिखे यहाँ क्यूब क्यूब रहा लिखेंगे या ने वी डी ई आया है, तो यहाँ पर आई टी लिख देंगे तब भी हो जाएगा, क्यूब रहा आई टी एन ए वी डी ई यहाँ से हो जाएगा पूरा ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्यूब रहा या नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है, हो जाएगा। हाँ चलिए अगला टॉपिक है ओम का नियम, क्या है ओम का नियम, थोड़ा सा परिभाषा लिख लीजिए, बहुत बढ़िया ओम का नियम है, वैज्ञानिक ओम ने बहुत बढ़िया नियम बताया था, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो उसमें विभवांतर और धारा में क्या संबंध होता है। चलो भैया हालिगो, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था कोष्ठक में लिख दो, जैसे ताप, तो चलो इस बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग, किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तब चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात भी अनुक्रमानुपाती आई भी बराबर आर आई भी बटे आई बराबर आर, जहाँ आर चालक का प्रतिरोध है, जहाँ आर चालक का प्रतिरोध है। हाँ तो देखिए ओम के नियम का निगमन मतलब भी बटा आई बराबर आर, आज हम लोग प्रूफ करेंगे, वो कैसे करेंगे,
थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखो, कथन लिखो और उसके बाद उसको हम लोग आज प्रूफ करते हैं। चलिए मान लीजिए किसी चालक की लंबाई L है, मान लीजिए किसी चालक की लंबाई L है, खड़ी पाई हो गया। लिखो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, स्मॉल N, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, ठीक है। N है, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, A है। बात समझ में आया, ठीक है। और लिखो, बोले चालक के सिरों को भी वोल्टेज के सेल से जोड़ा जाता है, भी वोल्टेज के सेल से जोड़ा जाता है, जिसके कारण इसके कारण सिरों पर चालक पर वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होता है, ई उत्पन्न होता है, जिसके कारण चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होता है। तो देखिए स्टेटमेंट में ढेर सारा राशियां है ना, उसको बारी बारी से हम लोग एक एक करके लिख लेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो देखिए चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा I बराबर क्या अभी बताया, N E A V D। देखिए हम क्या बोले हैं, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A, चालक के प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या N, ठीक है। चालक पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है, E होता है, क्या होता है, E। अब V D क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, जहाँ VD बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, ठीक है। क्या हो गया, इसको समीकरण नंबर एक मानते हैं। हमें लाना क्या है, V बटे I बराबर R, V बटे I बराबर I तो आ गया, ठीक। इसका हम लोग युग्मन भी किए हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। चलो थोड़ा सा दो स्टेप में होता है, पहले स्टेप में आई लाए हैं, दूसरे स्टेप में भी लाना है। पहले स्टेप में क्या लाए हैं, आई, दूसरे स्टेप में क्या लाएंगे, भी। चलो अब दूसरा स्टेप चलते हैं, यह बराबर होता है क्यू ई, वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश आ गया तो उस पर बल कितना लगता है, क्यू ई। सौ बार बोले हैं कि वैद्युत क्षेत्र ये है, उसमें कोई आवेश चला आया घूमते हुए तो उस पर बल कितना लगेगा, यह बराबर क्यू ई, समझ आया। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आ गया वैद्युत क्षेत्र में, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में आया ना, वैद्युत क्षेत्र के कारण एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, E, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है और वैद्युत क्षेत्र E, F बराबर E, ठीक है। अच्छा जब इलेक्ट्रॉन पे वैद्युत क्षेत्र लगता है, इलेक्ट्रॉन पे जब वैद्युत क्षेत्र लगता है, इसका जो वेग होता है प्रारंभ में जीरो होता है, ठीक है, औसत वेग जीरो होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन जब इसको सेल से नहीं जोड़े रहते हैं, जब चालक को सेल से नहीं जोड़ते हैं, तो इसका जो वेग होता है कितना बताए थे, 10^5 मीटर पर सेकेंड नंबर बताए थे ना, इसको उष्मीय वेग कहते हैं। कौन सा वेग कहते हैं, हाँ जैसे ही हम इसको, जैसे ही इसको सेल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें या उष्मीय वेग किस में चेंज हो जाता है, अनुगमन वेग में, किस में चेंज होता है, अनुगमन वेग में।
तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होता है वो शून्य होता है, इसलिए हम लोग शून्य होता है औसत वेग, वैद्युत क्षेत्र इस पर लगता है, इसका बाद में वेग वी डी हो जाता है, बाद में भी क्या आता है वी डी होता है नहीं, तो वेग में परिवर्तन होगा इसलिए उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण क्या चिल्लाता है, त्वरण क्या बताता है कि वेग में जहाँ जैसे ही परिवर्तन करोगे वैसे ही त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर एम ए क्या होता है, एम ए ई ई, समझ में आया। ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर हो जाएगा ई ई बाई एम, बात समझ आएगी नहीं। हाँ, अब गति के पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से भी बराबर होता है, बड़ा भी बराबर यू प्लस ए टी होता है ना, ना ये क्या होता है त्वरण होता है, टी क्या होता है समय होता है, भी वेग होता है अंतिम, यू क्या होता है प्रारंभिक। अब यही हमें समझना है, इसको समीकरण दो मानते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमें समझना है प्रारंभ में वेग क्या था यू ना, प्रारंभ में वेग क्या था यू, लेकिन पूरा औसत वेग क्या था जीरो, ठीक है। जैसे ही हम उसको सेल से कनेक्ट किए, किसको चालक को, उसमें का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह वेग पाता है, क्या पाता है वेग, और पूरा औसत वेग जो होता है उसको क्या हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग, क्या कहते हैं अनुगमन वेग। अच्छा टी क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय, समय उसको श्रांति काल कहते हैं, क्या कहते हैं आया भी टी वन प्लस टी, ये भी क्या है समयों का माध्य होता है। एक दिन बताए थे, फिर थोड़ा सा उस पर देखते हैं, जैसे मान लो ये चालक है, थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, फिर से यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, यहाँ टक्कर मारा, फिर ऐसे आया यहाँ मारा, फिर ऐसे आया यहाँ मारा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ तक टी वन, यहाँ से यहाँ तक टी टू, यहाँ से यहाँ टी थ्री, ऐसे ही टी फोर, ऐसे ढेर सारा टक्कर हुआ टी एन तक, एन टक्कर हुआ, तो समय क्या हो जाएगा टी वन, पहले टक्कर में लिया गया समय टी वन, दूसरे में टी टू, तीसरे में टी थ्री, चौथा में टी फोर, पाँचवा में टी फाइव, छठवा में टी सिक्स, ऐसे एनवा में टी एन। तो इन सबका जब माध्य निकालेंगे, माध्य जानते हो ना, दस में पड़े हो गए सभी का योग बटे संख्या, तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस टी एन बटे एन बराबर हो गया टाऊ, क्या हो गया टाऊ। तो हम यहाँ लिखेंगे वी के स्थान पे वी डी, यहाँ लिखेंगे जीरो, ए के स्थान पे ई ई बटा एम, इसके स्थान पे टाऊ, ठीक है। थोड़ा सा हम चित्र में चित्र को डिलीट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यू बराबर होता है यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस यू एन बटे क्या होता है टी एन, क्या होता है और टी बर टाउ बराबर क्या होता है टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डॉट डॉट टी एन बटे एन होता है, ठीक है टाउ। अब चलो वी डी बराबर हमारा निकल के आ गया, वी डी बराबर हमारा हो गया ई ई टाउ बटा एन। एक बात और ध्यान देना है, ये जो चालक था जब हम इसको सेल भी से जुड़े थे, इसकी लंबाई एल थी, वैद्युत क्षेत्र ई था, ठीक है। तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है वी बाई एल, यहाँ लिखते हैं वी डी बराबर ई, ठीक है, ई यहाँ क्या हो जाए वी बाई एल टाउ बटा एल, बस समझ में आया ना, ये हमारा वी डी हो गया। यहाँ से यह वाला वी को इधर करते थे इसी उड़ा करने के बाद जाएगा ई भी टाऊ, तिरछा गुणा करेंगे तो ई भी टाऊ बराबर वी डी, वेग वाला है ना अनुगमन वेग, एल एम भी बराबर हो जाएगा वी डी एल एम बटे ई टाऊ, समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर हमारा तीन हो गया, कितना हो गया, हाँ अब वी बटे आई करेंगे, क्या करेंगे वी बटे आई, तो वी के स्थान पे सारा मान रखो वी डी ना एल एम ई टाउ
आई के स्थान क्या लिखेंगे, एम ई ए वी डी, समझ में आया? अच्छा, जब इतना समझ में आया तो पूरा आ जाएगा। आगे देखो ध्यान से, वी बटे आई ऐसे ही उतारते हैं, बराबर यह हो जाएगा बटा एक बार बार उनका अंदर अंदर, वी डी एल एम नीचे ई टाऊ एन ई ए वी डी, वी डी से वी डी गया, हाँ बचा क्या, वी बटे आई बराबर एम एल एन ई ए टाऊ ना, ये देखो टी होता है, क्या होता है टी होता है अंदर अंदर पूरा टी स्क्वायर हो जाएगा ना, समझ में आया? हाँ यहाँ पर ई स्क्वायर हो जाए, ई स्क्वायर, ठीक है। चलो तो देखो बी बटे आई बराबर, देखो अब ध्यान से समझो, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलने वाला है नहीं, यानी ये तांक हो गया। ध्यान से देखना, हम जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं किसी तार को सेल से कनेक्ट करके उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ ना, मतलब किसी चालक तार को सेल से कनेक्ट करके मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ और एक जगह बैठा हूँ, ठीक है। अब सोचना ध्यान से, क्या क्या बदलने वाला है, क्या क्या बदलने वाला है। चलो अब मैं बैठ रहा हूँ, मैं मतलब एक मीटर लंबा चालक, एक मीटर लंबे चालक को सेल से जोड़कर उसका उपयोग कर रहा हूँ और मैं एक स्थान में बैठा हूँ, ठीक। उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसका द्रव्यमान बदलने वाला है नहीं, जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा, ये क्या है फिक्स हो गया, ये क्या हो गया फिक्स, मतलब नियत, ठीक है। चालक की लंबाई हमने एक मीटर लिया था, यहाँ पर उपयोग कर मतलब उपयोग मैं कर रहा हूँ, वहाँ जाके बैठा हूँ, तो क्या वो बदलने वाला है नहीं, ये अभी क्या हो गया नियत, ठीक है। अभी इसके बारे में एक बार और चर्चा करेंगे, ठीक है, अभी यहाँ ऐसे समझो। अब देखो एक बात और हम बताए थे, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है, तो मैं यहाँ पे चालक लगा के वहाँ पे बैठा हूँ, तो क्या उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी बढ़ेगी, नहीं घटेगी बढ़ेगी, एक आयतन में जितना मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मानता हूँ उतना है, ये अभी नियत हो गया। एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है 10^-19, क्या यह बदलने वाला है नहीं, यह भी नियत है। और चालक जो मैं लगाया हूँ, लगाकर वहाँ बैठा, क्या उसका क्षेत्रफल बदलने वाला है नहीं, यह भी नियत है। और शांति काल भी बदलने वाला नहीं है, ये सारा नियत है, क्या है पूरा नियत है, क्या है नियत है, ठीक है। इसलिए भी अपान आई बराबर हो जाएगा नियतांक, ऐसी नियतांक को हम लोग कहते हैं आर, क्या कहते हैं आर, समझ में आया, इसी नियतांक को क्या बोलते हैं आर। तो ओम ने तो यही बताया था भी बटे आई बराबर आर, यही ने बताया था। अच्छा थोड़ा सा नोट ध्यान देना, सुनो, आर बराबर एम एल बटे एम ई स्क्वायर ए टाउ, ए हो गया ना। तो ओम ने एक बात और बताया था, क्या बताया था कि चालक के ताप में परिवर्तन न हो, चालक के ताप में परिवर्तन न हो। उन्होंने यह क्यों कहा, उसने इसलिए कहा जैसे ही चालक का ताप बढ़ा दिया जाएगा उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, जब यहाँ पर लंबाई बढ़ जाएगी तो घी बट्टे आई बराबर नियतांक नहीं होगा, जब तुम परिवर्तन होने लगा ना, ये चर हो गया, अचर नहीं है तब, जैसे कि उसका ताप बढ़ जाएगा, धारा देते देते वो अपना लंबाई बढ़ा लेगा, तब यह कहाँ अचर रह गया, ये तो चर हो गया, जब ये चर हो गया तो उनका नियम फ्लॉप। इसीलिए ओम ने अपने नियम में क्या संशोधन किया, किसी चालक के भौतिक अवस्था जैसे ताप में परिवर्तन ना हो, इसीलिए बताए थे। अब ध्यान से देखो, मान लो ये तो हो गया नोट नंबर एक, इसको छोड़ो। अब यहाँ देखो ध्यान से, ए आर का मान कब कब चेंज होता है इसके बारे में हम लोग चलते हैं ना थोड़ा सा। जब ताप बढ़ाएंगे तो श्रांति काल घट जाता है, जब ताप बढ़ाते हैं तो कौन घटता है, क्यों क्यों घटता है, एक दिन बताए थे ना आज के, ये जो टाऊ होता है विक्रमानुपाती अनुपात टी होता है, जब चालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसमें प्रति सेकेंड लड़ने वाले मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन की टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी,
और टक्कर की संख्या बढ़ने का मतलब ये है कि वो जल्दी जल्दी टक्कर करेगा, तो उसका एक टक्कर का समय दो टक्कर का समय कम हो जाएगा, ऐसे समझो। नहीं है जैसे मुझे यहाँ से इस दीवार तक जाना है तो मैं धीरे धीरे अपना जा रहा हूँ आ रहा हूँ, ताप बढ़ा दिए तो जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे तो मेरा समय घट जाएगा ना, तो ताप जब बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, जब ये घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, विक्रम संबंध है कि नहीं। देखो यह जब घटेगा यह बढ़ेगा तो क्या करे घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि विक्रम संबंध है। जब यह घटेगा तो यहाँ से ये बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि यह विक्रम संबंध है। तो इसीलिए चालक का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता बढ़ जाता है। चालक का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, श्रांति काल घट जाता है। कोई पूछेगा भैया चालक का ताप बढ़ा दिए तो चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका उत्तर है प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो कोई पूछेगा क्यों बढ़ जाएगा, इसका उत्तर है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो टक्कर होता है वो उसका श्रांति काल जो है घट जाता है, क्या होता है घट जाता है, इसलिए बढ़ जाता है। ठीक है, तो आर बराबर एम एल बटे यानी स्क्वायर ए टाउ, ये याद रहना चाहिए, जेई मेन के परीक्षा मतलब की तैयारी में काम आएगा। ठीक है, तो ए ओम का नियम था। अच्छा दूसरा बात हम लोग ध्यान देते हैं, दूसरा बात वी व आई के बीच ग्राफ, के बीच ग्राफ वी व आई के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे एक सरल रेखा प्राप्त होता है, क्योंकि ओम ने बताया था विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, क्या होता है समानुपाती, मतलब समान अनुपात, अनुक्रमानुपाती नहीं समानुपाती होता है, समान अनुपात में होते हैं, तो इसका ग्राफ सरल रेखा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और समझो ध्यान से, थोड़ा सा छोटी छोटी बात है उसको समझते चलो। जैसे कि हम वोल्टेज देते गए, धारा बढ़ता गया, धारा बहता गया, चालक की धारा बहता गया, तो धारा बहने से धीरे धीरे क्या होता है, चालक गर्म होता है, क्या होता है गर्म। तो उसमें हमें ये ध्यान देना है ना, जब तक ऐसे मान लो मैं उदाहरण के तौर पर मान रहा हूँ, जब तक चालक का ताप 25 सेंटीग्रेड रहेगा तब तक विभवांतर धारा का अनुपात सभी जगह एक समान आएगा। ठीक है, मान लो चालक का ताप 25 से क्या हो गया 30 हो गया, क्या हो गया 25 से बढ़कर क्या हो गया 30 हो गया, तो कुछ देर तक ताप 30 है, ये समझ लो कि ताप जितना देर तक स्थिर है उसमें विभवांतर और धारा का अनुपात वहाँ पर समान होगा, ऐसे समझो। जैसे मान लो 25 सेंटीग्रेड है, क्या है 25 सेंटीग्रेड 10 मिनट तक चला, कई मिनट तक 10 मिनट में, आप 10 मिनट में होता है 600 सेकेंड के किसी भी समय पर आप भी और आई निकालेंगे तो उसका मान सभी जगह एक समान आएगा 600 सेकेंड के भीतर, पहला सेकेंड से लेकर 600 सेकेंड के बीच में कहीं भी वोल्टेज और धारा का अनुपात निकालेंगे तो सभी का मान आपस में क्या आएगा बराबर। फिर उसके बाद मान लो 30 सेंटीग्रेड हो गया, 30 सेंटीग्रेड हो गया, मान लो 15 सेकेंड तक हुआ, 15 मिनट तक, कितना 15 मिनट। ठीक है, ध्यान से समझो हमारे बात, 15 मिनट तक ताप उसका 30 सेंटीग्रेड हुआ, कितना 30। तो ध्यान से समझना, यहाँ 0 से लेकर ये जो 900 सेकेंड आगे का है, मतलब ये वाला छोड़ दो पीछे का, यहाँ से लेकर ये 900 सेकेंड के आगे का जो है तो उसके बीच में वी और आई का अनुपात क्या होगा एक बराबर होगा, क्या होगा लेकिन इसका वी बटे आई और इसका वी बटे आई बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ ताप दूसरा था, यहाँ ताप दूसरा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे 30 सेंटीग्रेड 15 मिनट तक है, तो उस 30 सेंटीग्रेड वाला जो 15 मिनट तक है, तो 15 मिनट उस 15 मिनट में आप किसी भी समय वी बटे आई निकालेंगे, 10 ठो 20 ठो 100 ठो निकालोगे, सब जगह वी बटे आई का मान इसमें सब बराबर आएगा। और इसका जो 10 मिनट 25 सेंटीग्रेड ये 10 मिनट तक था, इसमें का वी बटे आई निकालोगे सब बराबर आएगा, लेकिन इसका इससे मिलाओगे तो बराबर नहीं आएगा। तो उनका नियम यही था कि मतलब किसी चालक के भौतिक अवस्था जैसे ताप में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरे को लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है।
तो उनका नियम आज यही समाप्त होता है।